बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल टाइम था, स्टार्टिंग में काफी मुश्किल था जब रोना ज्यादा हुआ हुआ था, तो थोड़ा मुश्किल था घर में। पर घर में ये है कि ट्रेनिंग वगैरह जारी रखी, फिटनेस वगैरह को ज्यादा फोकस रखा उस टाइम पे, और अब काफी अरसे बाद जो है कैंप में वापस आए हैं और दोबारा से कैंप लगा है, तो काफी एक्साइटेड हूँ और बड़ी खुशी है कि यहाँ पे वापस आके दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हुई है काफी अरसे बाद, और आज फर्स्ट मैच खेला जा रहा है कैंप में। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि ये कैंप अच्छा जाए, ताकि आगे जो डोमेस्टिक सीरीज है इसके बाद, तो उसके लिए लड़कियां अच्छी प्रिपेयर हो जाएंगी इस कैंप से, तो ये कैंप काफी अच्छा साबित होगा हमारे लिए। बिल्कुल, पर्सनल और टीम के साथ दोनों गोल्स यही होते हैं कि अपनी टीम को आगे लेके जाएं, टीम को जिस तरह से मेरी जरूरत है उस तरह से मैं अपनी टीम का साथ दे सकूं, और आगे जो डोमेस्टिक इवेंट्स हैं उसमें हम अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम जितवाना सीखते हैं तो हम इसको इंटरनेशनल में भी लेकर आते हैं। इस कैंप में मेरा मेनली यही एम होगा कि मैं अपने आप को एक लंबे फॉर्मेट का बॉलर बना सकूं, क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि 50 ओवर्स का है, तो बेस्ट यही होगा कि एक कंसिस्टेंट बॉलर बन के सामने आऊँ। फिटनेस पे काम कर रही हूँ और बॉलिंग पे काम कर रही हूँ थोड़ा सा, कि बॉलिंग जो है ना, जो 7-8 माह से बॉलिंग नहीं हुई तो उसको थोड़ा सा और बेहतर करूं और अपनी लाइन लेंथ सेट करूं। लेकिन इंशाल्लाह मैंने T20 की रैंकिंग में top 10 में आना है, ये मेरा एम है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं 3 में और 5 में रह चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैंने इससे ऊपर टॉप में जाना।